ये बारात जो जा रही है ना वहाँ से हमारा मायके बहुत नजदीक है, इसी बहाने हम लोग मायके भी चले जाएंगे। ले राजा हो गए तैयार? हाँ। चलिए किला फतह करना है। ले राजा ने पहन लिया है मुकुट और यहाँ सीधे जाएंगे मंदिर। क्रियाज भी जा रहा है फर्स्ट टाइम बाराती और अब हम लोग निकलने वाले हैं बस। तो बाराती पहुंच गई है अपने स्थल पर, तो देख सकते हैं सारे बाराती यहां पर पहुंचे हुए और क्रियांश अपना लगा हुआ है खेल में और जिया और प्रीति को अपना अलग जगह मिल गया है और दुल्हे राजा यहां पर विराजमान है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जी हम दोनों हो गए हैं तैयार, हमारा क्रियांश भी हो गया है तैयार। उसे क्रियांश के लिए 3 पीस लिया था लेकिन सोचा कि अभी ठंड बहुत ज्यादा है तो उसमें इसको ठंड ना लग जाए तो इसलिए इसको जैकेट पहना दिया। और हम लोग निकलने वाले हैं जी बारात के लिए, तो बारात सामने तैयार है, एक एक करके सभी लोग जा रहे हैं। जो पीछे कैमरा पकड़ी वो भी जा रही है क्या? नहीं जा रही है। वो नहीं जा रही है, अच्छा कोई बात नहीं। और ये बारात जो जा रही है ना वहाँ से हमारा मायके बहुत नजदीक है, इसी बहाने हम लोग मायके भी चले जाएंगे। मायके जाएगी? ये तो ऐसा कोई प्लान नहीं था अभी तक। प्लान नहीं था, प्लान बनाने से होता है। चलिए जी कोई बात नहीं, देख लेंगे। A few moments later. इधर दुल्हे राजा जो है तैयार हो रहे हैं, भाभी जी कर रही हैं तैयार और इधर जो दुल्हे राजा के पिताजी भी तैयार हो रहे हैं। वाह 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 वाह, छा गए दुल्हे राजा। हाय हाय हाय, मामू भी छा गए। अच्छा हम भी क्यों बाकी रहे? यहाँ हमारा लड़का रेडी होते हुए क्या लगाएंगे? अरे मैं उसको मैं करना है दोनों। अरे यहाँ मामा जी तैयार हो रहे हैं, क्या बोला? घसा वाला। कुछ ज्यादा बोल रहे हो, अभी कर देंगे ना। ये अब लग रहे हैं दूल्हे राजा। हाय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुल्हे राजा हो गए तैयार? हाँ। चलिए किला फतह करना है। ऐसे ही रहता है क्या? ऐसे ही रहता है, ऐसे ही है, सही है। तो यहाँ बात चल रहा है, दुल्हे राजा को जो है काजल नहीं लगा है, उसी काजल के लिए बात चल रहा है। हाँ नहीं क्या ये सब खूब चलता है, वही अच्छा लगता है। नहीं लगे डिजाइन मन दिया अग्नि बहुत राधा ने पहन लिया है मुकुट और अब यहाँ से सीधे जाएंगे मंदिर। माइया
कर पाली फर्स्ट टाइम बढ़ाती और अब हम लोग निकलने वाले हैं। बस जा रहे दादी पाज डूमी डूमी जा रहा है। वाह, इधर मम्मी बैठी है, इधर दीदी बैठी है, सभी लोग बैठे हैं, सब जा रहे हैं अंदर घूमने। अभी हम लोग आए मंदिर पे दर्शन करने के लिए, तो भारत निकल चुकी है जी। और भारत निकल करके जो है सबसे पहले आई हुई है, जितने भी यहाँ के मंदिर है एक एक करके सभी जगह का मंदिर जो है जाया जा रहा है। मैंने देखा कि स्टार्टिंग का दो मंदिर था, पता नहीं कौन सा मंदिर था जी, एक शायद ठकुरबाड़ी कहा जाता है जो कि खानदानी मंदिर होता है, तो उस मंदिर में जाया गया। उसके बाद यहाँ कार्तिक भगवान का मंदिर है, तो फिलहाल यहाँ पर आए हुए। और यहाँ से जो है जितनी लेडीज जो है लगभग सब चली जाएंगी अपने घर, और उसके बाद जो है कुछ कुछ लेडीज जो है चलेंगी बारात, तो सभी लोग फिर यहाँ से जो है बारात के लिए रवाना होंगे। और यहाँ से शायद 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर के करीब है, शायद इतना ही है। लगता है कि शायद हम लोग 2 घंटा सब में तो आराम से हम लोग वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। तो चलते इस बार हम स्लोमो में लेते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। तो यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहा है आगे, और वहाँ से 1 किलोमीटर है ना, 29 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। और बाकी सभी लोग का इंतजार है, कहाँ पर है क्या है कोई खबर नहीं है, एक बार पहले फोन कर लो। One hour later. तो बारात जी पहुँच गई है अपने स्थल पर, तो देख सकते हैं सारे बाराती यहाँ पर पहुँचे हुए। और क्रियांश अपना लगा हुआ है खेल में, और जिया और प्रीति को अपना अलग जगह मिल गया है, और दुल्हे राजा यहाँ पर विराजमान है। और सभी लोगों का हम लोगों का नाश्ता चल रहा है, हमारे फूफा जी सब। चलिए स्टार्ट किया जाए, यहाँ हमारा भी नाश्ता है, देखते हैं क्या क्या है नाश्ते में। अच्छा खासा आइटम है जी, 4, 1, 5 तरह का मिठाई और कचौड़ी, और साथ में ये शायद कटलेट लग रहा है। जितने भी भारत है जी, सभी का नाश्ता पानी सब तो हो गया है, उसके बाद हम भारत की कुछ ही देर में जो विदाई होगी, सभी लोग पहुँचेंगे दरवाजे के पास, आतिशबाजी की जा रही है पटाखों के साथ, तो दिखाते हैं आपको। भागिए सजना। हेलो 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 एक बार उधर देखिए, एक बार इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए। I'm
इधर आ जाइए। A few moments later. यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए, इधर हमारी भाभी श्री है। इसके बाद ना एक और भोज खाना है उनके शादी में। तो यहाँ मामा जी सब बैठ गए हैं खाने के लिए और हम लोग का तो खाना पहले ही हो चुका है, सभी लोग खा रहे हैं, जो लोग बचे खुचे हैं। तो इधर है सारे बराती पार्टी और इधर है हमारी सराती पार्टी। One hour later. तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, जयमाल वगैरह हो गया है तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। सोचा कि क्रियान सोया हुआ है तो यहाँ से ज्यादा मुझे लगता है 40 मिनट है घर, तो आराम से पहुँच जाएंगे। वैसे हम सोच रहे थे अपने घर भी जाएंगे क्योंकि यहाँ से पास है, अगर रात में रुकते तो मॉर्निंग में जाते, बट कोई बात नहीं। मंदिर से आए हैं, हाँ हाँ, यहाँ उतर गए, हमको डांस करना है। हम अच्छा डांस किया, हाँ अच्छा, पूरे फूल वहाँ से लेके आए। अच्छा The next day. तो जी बारात से तो हम लोग आ गए हैं और कुछ ही देर में जो है, कुछ ही देर क्या जी, लगभग दोपहर में जो हमारे भाई हैं होने वाली अपनी बहू के साथ जो है यहाँ पर आ जाएंगे। और फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर पकवान सब तल रहा है। तो पकवान यहाँ पर किस बात के लिए तल रहा है मामे? भगवती का पूजा होगा घर में, भगवती का पूजा होगा। अच्छा वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भगवती का पूजा होगा। अच्छा मतलब जिसको सिर भर कहते हो घर में भी भरा जाएगा और देवस्थान में भी भरा जाएगा। ये जो ठकुआ है ना छठ पूजा में बनता है हमारे यहाँ, और यहाँ जहाँ पे हम अभी आए हैं अपने भाई के यहाँ, यहाँ पे का रिवाज है जो भगवती का घर जो बहू आएगी ना इसी से भरा जाएगा वहाँ पे। अच्छा पूजा प्रसाद के रूप। अच्छा हम लोग क्या जो मटका में जो कुछ पकवान से भरा जाता है वही वाला है? ये पकवान अलग बनेगा फिर भी। अच्छा अभी जो है ये भगवती तो गुना मुना है, गुना मुना मटका में जो रहता है वो गुना मुना वो बनेगा इसके बाद बनाएंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है बनाओ तुम लोग।